आदाब, ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज की नई पेशकश बेबाक बयान लेकर हाजिर हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला फैसल। उम्मीद की इस पेशकश को आप पसंद फरमाएंगे। मुल्के हिंदुस्तान जन्नत का निशान, जो 7 महीने से लगभग कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी से जूझ रहा है। जब ये बीमारी की शुरुआत हुई थी तो अचानक हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, पूरा मुल्क जहां था वहां रुक गया। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर से उधर जाने के लिए परेशान हो गए। कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई रिक्शे से जा रहा है। मासूम बच्चे, औरतें, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, नौजवान बिल्कुल बेतहाशा दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। भुखमरी, गुर्बत का इस कदर महामारी हो गई कि लोग अपने आबाई वतन की तरफ रवा दमा हो गए। लेकिन बेरहम हुकूमत को शर्म तक नहीं आई कि किस तरीके से मंसूबा प्लानिंग बना करके उनकी मदद की जाए और उनकी परेशानी को दूर किया जाए। हाँ, हुकूमत ने काम ज़रूर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मरकजी हुकूमत ने, कि अपने जरखरीद मीडिया को बेतहाशा इस्तेमाल करवाया और एक तरफा बयान दिलवाया। अफसोस, मीडिया वाले जो जमहूरियत का चौथा सतून कहा जाता है, मीडिया को, ज़राए इब्लाग को, उन लोगों ने इस महामारी बीमारी कोरोना को मजहबी रंग दे दिया और मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिम में तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश की। कभी तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, कभी मस्जिदों पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि महामारी जो आई है, जो बीमारी फैली है, वो तबलीगी जमात वालों की वजह से फैली है। लेकिन आज जब अदलिया का, हाई कोर्ट का फैसला तबलीगियों की हिमायत में आया कि किसी के आने जाने से ये बीमारी नहीं आई है, ये कुदरती बीमारी है और इसको मजहबी रंग ना दिया जाए, ये बीमारी अल्लाह का अजाब है, ईश्वर का जो अजाब है, इस अजाब से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मरकजी हुकूमत ने सांप्रदायिकता फैलाने की भरपूर कोशिश की, इस कोरोना की बीमारी में मजहबी रंग पूरे मुल्क में रंगने की कोशिश की गई, मजहबी रंग देने की कोशिश की गई, जो हम हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान इसकी मुखालफत कर रहा है। असल मुद्दे से मरकजी हुकूमत भटका रही है। आज लाखों नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों लोग गुर्बत मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, रोजगार छीन लिए गए हैं, और जो हुकूमत में बरसरे रोजगार हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और एक नई बात लाकर के सामने कर दी गई कि सुशांत सिंह ने कुछ माह पहले जो खुदकुशी की थी, सुसाइड की थी, उसको इतना ज़बरदस्त उछाला गया मीडिया वालों ने और उसको भी मजहबी रंग दे दिया गया, सुशांत सिंह की खुदकुशी को, कि आज एक ऐसी खातून जो रक्कासा फिल्मी अदाकारा है, एक्टर्स कंगना रनावत को आगे करके भाजपा अपने सियासी मफाद को इस्तेमाल करना चाहती है और
कंगना रनौत को भाजपा ने अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया है और उनको आला किस्म की सिक्योरिटी फराहम करके गरीबों का, मजदूरों का, जनता का मजाक उड़ाया है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि जिस मुंबई शहर ने कंगना रनौत को इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी, उसी मुंबई के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कंगना रनौत ने किया है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, आलोचना करते हैं। अफसोस, इस मुंबई शहर के खिलाफ बयानबाजियां जारी हैं और भाजपा ठट्ठे उड़ा रही है। हमें गौर करना चाहिए कि सुशांत सिंह की खुदकुशी बेशक एक अलमिया है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। बहुत सारे फिल्मी लोगों ने इससे पहले खुदकुशी की थी, गुरुदत्त, मनमोहन देसाई, दिव्या भारती, निर्मल पांडे वगैरह वगैरह, लेकिन मीडिया ने उनकी खुदकुशी को इतना नहीं कवर किया था, ना उछाला था, बल्कि सुशांत सिंह को एक पॉलिटिकल मैटर बना दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के इलेक्शन को भुनाने की एक बहुत बड़ी मंसूबाबंद साजिश है भाजपा की, मंसूबाबंद प्लानिंग है भाजपा की, जो इसको इस्तेमाल करना चाहती है। सुशांत सिंह के खिलाफ इंक्वायरी जारी है, इंसाफ जरूर होगा। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होकर के जेल की सलाखों में है, मजीद इंक्वायरियां हो रही हैं। लेकिन जिस ढंग से आज मरकजी हुकूमत अवाम को नज़रअंदाज करके, गैर ज़रूरी मसलों में जनता को उलझा करके अपना सियासी पैतरेबाजी कर रही है, वो अफसोसनाक बात है। आज लोग भुखमरी के शिकार हैं, सरकारी नौकरियां लोगों की जा रही हैं, मुलाजमतें छीनी जा रही हैं, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इसको मीडिया वाले कवर नहीं कर रहे हैं। चाटू मीडिया, बिका हुआ मीडिया, जो गैर ज़रूरी मसलों को ला करके और जनता को उसी में उलझा दिया गया है, जनता को परेशान किया जा रहा है, इनकी परेशानी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मुल्क हिंदुस्तान की आवाम मजहबी रंग में रंगना नहीं चाहते हैं। कोई मजहब आतंक का संप्रदायिकता की तालीम नहीं देता है। ये पॉलिटिकल लोग, ये सियासी लोग अपने सियासी मफाद के लिए हर मसले को संप्रदायिकता बना देते हैं, फिरका परस्ती के रंग में रंग देते हैं। कोई भी जाति मसला किसी का हो, उसको हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया जाता है, जो मुल्क के लिए, रियासत के लिए, इलाके के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए आए और हम मिलजुल करके भारत को मजबूत बनाएं और मुस्तकबिल हिंदुस्तान की तामीर के लिए हम कोशा हों। आए हम बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून की हिफाजत के लिए आगे बढ़ें और संप्रदायिकता के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ मिलजुल करके लड़ाई लड़ें। हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, सब एक हैं। कोई भी अगर हिंदुस्तान में आतंक मचाने की कोशिश करेगा, फिरका परस्ती की बात करेगा, तो तमाम लोग मिलजुल करके खड़े हो जाएं और ऐसे फिरका परस्तों का मुंहतोड़ जवाब दें। जो लोग किसी की खुदकुशी को, किसी के आत्महत्या को इस्तेमाल करके सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं और भरपूर उनकी मजम्मत करें। तो आइए हम एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जो है मजम्मत करते हैं, जो इस्तेमाल करना चाहती है सुशांत सिंह के आत्महत्या को। इन्हीं बातों के